अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम ज़ाविया के साथ मैं हूं डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी, और हमारे दरमियान क़िबला मौलाना सैयद अली मुर्तज़ा अली साहब तशरीफ़ फरमा है। बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ बैठे हैं कुछ गुफ्तगू करने के लिए। माह ज़ी क़ाद है और इसका जो पहला अशरा है इसको दाह करामत कहते हैं। इसका आगाज़ जो है वो यकुम ज़िक़ात से होता है। बी मासूमा की विलादत बासादत है सलामुल्लाह अलैहा, और इसकी 11 तारीख को इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख है। और ज़ाहिर है कि ये अहले बैत अतहार हैं कि जो करीम इब्ने करीम हैं, रसूल करीम और उनकी औलाद करीम इब्ने करीम हैं, तो उन्हीं के तुफैल से मखलूक़ात की हाजतें जो हैं वो पूरी होती हैं। पूरी दुनिया जाती है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ारत के लिए, मासूम खून की ज़ारत के लिए। कभी मैं सोचता हूँ बनू अब्बास ने अपने मुताबिक ये किया कि जैसे ही उनको इकदार मिला, उसके बाद मंसूर ने इमाम रज़ा सादिक़ अलैहिस्सलाम को जहर से शहीद किया, और फिर हारून ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बगदाद में क़ैद कर दिया। मामून ने इमाम रज़ा को बुला के वली अहद बनाया बज़ाहिर, लेकिन यूँ समझ लें कि अपने नज़रों के सामने रखा। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम तक जितने भी अहले बैत अतहार के अइमा तहरीन हैं, ये सब मदीने से बाहर रहे। गोया मदीना जो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस था आलम इस्लाम का, उसको उन्होंने वीरान किया और अहले बैत अतहार को मदीने में रही नहीं रहने दिया उन्होंने। तो वो ये समझ रहे थे कि इस तरह हमने माशाल्लाह इनको दरबदर कर दिया। इनके रोज़े भी सबके ज़ाहिर बाहर है, किसी के मशहद में है, किसी के सामर्रा में, काजमैन में है। लेकिन आज जब 1400 साल के बाद हम देखते हैं कि उनकी अपनी एक प्लानिंग होगी, वमा करूँ वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो आज हम ये देखते हैं कि ये तमाम जो मासूम अलैहिस्सलाम के जो रोज़े हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है मकतब अहले बैत के। यानी भी मासूमा देखें, आप मदीने से चल के आईं अपने भाई से मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात नहीं हुई उनकी, वो अपनी जगह और उनकी रिलत हो गई या शहादत हो गई और फिर उनको कौम में दफन कर दिया गया। लेकिन उनका जो ये मरकज़ मुबारक है, ये कितना मुतबरिक साबित हुआ, कितना एक मरकज़ बन गया आलम इस्लाम का, मकतब तशैयों का, और इतना ज़बरदस्त इनकलाब जो है वो इस सरज़मीन से समझ लें आप बरपा हुआ। और इसको इनकलाब को लाने वाले हज़रत इमाम खुमैनी जो है वो इसी कुम से पढ़े हुए भी थे, उस्ताद भी थे और तहरीक भी उन्होंने चलाई। तो ये कितनी ज़बरदस्त यानी है, देखें आप हिकमत अमली है इसमें। बहुत अच्छा एक काम मेरे ख़्याल में स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने किया। उन्होंने मौला सातवें इमाम की जो औलाद तैयबा व ताहिरा थी, उनके किरदार को आलम इस्लाम के ऊपर मुनक्किस किया कि आलम इस्लाम की तशकील में मौला सातवें इमाम की जो नस्ल थी उसका क्या किरदार था। बहुत ज़्यादा औलादें थी उनकी, वह औलाद ज़्यादा थी और शादी किसी की भी नहीं हुई एज़ पर रिवायात। सिर्फ मौला आठवें इमाम की शादी हुई थी, बाकी रिवायात ये कहती हैं किसी की भी शादी नहीं। बेटों की तो हुई होगी जो अभी तक मसलन मुझे समझ में आया, बहरहाल तो किस तरह से था बहरहाल। लेकिन ये है कि मौला सातवें इमाम की नस्ल में आने वाली औलादें हर एक गोया ईरान के किसी एक शहर में पहुंच गए, और उन्होंने उस शहर की, जैसे आपने कहा, उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तब्दील कर दिया। तो जैसे हमारे पास एक रिवायत मशहूर है कि कोई शख्स अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में था, तो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हमारी मोहब्बत में गरीबुल वतन किए जाओगे और ये नेमत होगी। तो उसने कहा कि गरीबुल वतन होना तो ठीक है, मैं कबूल करूँ, नेमत कैसे होगी? फरमाया नेमत ये ऐसी होगी कि तुम हमारा पैगाम पहुँचाओ, तुम्हारी कौम, तुम्हारा कबीला हमारा पैगाम पहुँचाएगी। तो उन्होंने तो बकौल आप, जैसे आपने फरमाया कि भाई उन्होंने तो मदीने से दूर करना था ताकि वो मुसलमानों के मरकज़ से दूर रहें, लेकिन उनको नहीं पता था कि अब हर एक जो मरकज़ था वो एक मरकज़ बनेगा। तो अब ईरान के जितने बड़े शहर हैं उन तमाम में मौला सातवें इमाम की नस्ल में से कोई ना कोई एक तशरीफ़ फरमाए, और उनकी वजह से वो मूवमेंट और जो जुम्बो जोश जिसको हम लोग कहते हैं हरकत, और वो हरकत जो है वो इनकलाब तक पे पहुँचती। शहर कुम जो है वो आइमा तहरीन के ज़माने में भी एक मरकज़ था,
और अहले बैत अतहार की बहुत सारी रवायतें हैं शहर के बारे में। बाज़ रवायतों को हज़रत इमाम हनी पर भी मुंतबिक किया जाता है, इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलाम की रवायत भी है और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी है कि यह उशत आले मोहम्मद, आले मोहम्मद के लिए एक आशियाना है ये शहर कुम। ख़ुद शेख सरूक़ और उनके जो वालिद गिरामी थे इब्न बाबा कुम्मी, वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे और उनका इमाम ज़माना से वो ख़त भी है जिसके नतीजे में शेख सरूक़ और उनके भाई की विलादत भी हुई। तो इससे पता चलता है कि शहर कुम जो है वह अहले बैत के चाहने वालों का एक मरकज़ शुरू से रहा है, आइमा ताहिर के ज़माने से रहा है। ये कुछ लोगों को ये गलतफहमी क्यों है कि सद्दाम ने या मसलन बास पार्टी ने आके जब इराक़ को नुकसान पहुंचाया या तशय्यों के मरकज़ को, नजफ को नुकसान पहुंचाया तो शहर कुम आबाद हुआ? मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम जैसे लोग जो होते हैं वो 50 साल 60 साल 100 साल इससे ज़्यादा नहीं देख पाते चीज़ों को, यानी बहुत कम लोग होते हैं जिनकी नज़र 1500 साल 2000 साल के ऊपर हो, तो वो फिर देख पाएँ कि भाई ये जो चीज़ आज आपको नज़र आ रही है ये उस 50 साल का नतीजा नहीं है जिसको आपने देखा था, या उस 70 साल 100 साल का नतीजा नहीं है जिसको आपने देखा था, ये एक मूवमेंट थी मिसाल के तौर पर जो 1200 साल से चल रही थी, 1300 साल से चल रही थी। तो मुझे ये लगता है कि हम ख़ासकर अहले बैत के चाहने वालों में जो एक मुश्किल मेरा ख़्याल आई है वो ये कि हमने रसूल ग्रामी और अइमा अतहार अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा उसका भी इतनी गहराई में जायज़ा नहीं लिया है कि मसलन बाद के अइमा अतहार मसलन मौला सातवें इमाम, मौला नवें इमाम, मौला दसवें इमाम, उनकी हयात तैयबा में क्या मूवमेंट्स हो रही थी। वो तो नहीं लिया तो नहीं लिया, गैबत कुबरा को तो गोया हम जानते ही नहीं हैं कि गैबत कुबरा में क्या हुआ। अच्छा, अब गैबत कुबरा को हम क्यों इस तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं? उसी में ज़ाहिर है कि मशहद का किरदार है, मुख्तलिफ शहरों का किरदार, क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? नाऊज़ बिल्लाह, मुझे यूँ लगा जैसे वो ये समझ रहे होते हैं कि ये आइम्मा के काम में से बाहर निकल गया जब गैबत हो गई। अच्छा, ये नहीं सोचते कि भाई गैबत हुई है, इमामत ख़त्म नहीं हुई थी, भाई इमामत तो जारी थी और इमाम वक्त भी मौजूद थे और उनका जो, अब अगर मैं दुनिया का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उनका जो नेटवर्क की मेथडोलॉजी थी वो इतनी खूबसूरत थी कि इतनी पुरसरार तरीके से काम कर रही थी कि उसने अपना टाइम लिया और उसने मिसाल के तौर पर 1000 साल के बाद वो पेश कर दिया जो दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो मुझे यूँ लगा कि जैसे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम अजमाइन उन्होंने अपने इस मख्फी काम को, जिसको वो कितमान सिर के ऊपर इतनी रिवायात भी बयान करते हैं, उसको अंजाम दिया और बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कम से कम मेरे जैसे तालिबे इल्म भी अगर इसको देखे तो कम अज़ कम मुझे 1100 साल को देखना पड़ेगा कि 1100 साल गुजरे। अब आप तसव्वुर फरमाइए कितनी अजीब बात है कि मौला छठे इमाम से रिवायत है सलामुल्लाह अलैह, उनसे रिवायत है कि तुम्हारी कूफा की ज़मीनें इतनी महंगी हो जाएंगी, और वो जो रकम इमाम ने फरमाई वो मिलियंस में है। सही है। अच्छा, अब सामने वाला पूछता है मौला कूफा की ज़मीन इतनी महंगी हो जाएगी? सही। मैं अब ऐसी इस एक रिवायत को, आप मिलाद की चूँकि आज तारीख है तो मुझे याद आता है कि 2009 के करीब शायद मैं गया एक दफ़ा ज़ियारत के ऊपर और कूफा में ही हम लोग थे, तो हमारे जो साथ दोस्त थे मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे पास रवायतें मौजूद हैं कूफा की ज़मीन बहुत महंगी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मौलाना इस वक्त तो इतनी महंगी नहीं है, सद्दाम को गए हुए 5-6 साल हुए थे मरे हुए तो हटे हुए, तो वो उनका अभी तो इतनी महंगी नहीं है। मैंने उनसे मजाक में कहा कि रिवायत में कई मिलियंस की बातें हैं, तो मैंने उनसे, मुझे याद आता है कि मैंने उनसे कहा कि एक 500-600 गज़ ख़रीद लो, 100 गज़ मैं भी उसमें ले लूँगा, 50 गज़ मैं भी ले लूँगा, और आप यकीन मानिए कि अभी मेरे ख़्याल में 2022 में हम दोबारा गए तो मैंने उनको कहा और उन साथ ही थे हम दोनों, तो दोबारा हम याद कर रहे थे कि कह रहे थे कि मौलाना आप सही कह रहे थे, अगर 2009 में वो ज़मीन ले लेते अभी हम लोग मिलियनर हो जाते उस ज़मीन से। तो अब तसव्वुर कीजिए कि ये रिवायत 1200-1300 साल पुरानी है ये। हाँ, तो मेरा अपने ख्याल है हुआ यही है कि वो जो मराज इज़ाम का किरदार था शेख मुर्तज़ा अंसारी जैसे लोगों का और उनके साथ जो औरफा थे सईद अली शूस्तर, फिर काजी तबतबाई, अल्लामा तबतबाई और ये सब लोग, इन लोगों ने मिलकर गोया एक प्रोग्राम अहले बैत अतहार की सरपरस्ती में इम्प्लीमेंट किया और उसका नतीजा ये अजमत है जो आज हम मशहद में और कुम में और
मुख्तलिफ़ रोज़ाए मुबारक अहल बैत अलैहिम सलाम पर देख रहे हैं। कुल इमाम खुमैनी की फ़िक्र अगर आप देखें तो वो आपको ईरानी बेस नज़र नहीं आएगी, उसमें जो जो फोकस है वो इस्लाम को फोकस है, न कि मसलन ईरान को। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरानियों ने कंट्रीब्यूट किया, कुर्बानी दी और इमाम खुमैनी का साथ दिया। एक लीडर का साथ देना, इन्हें लीडरशिप इतनी इंपॉर्टेंट होती है, फॉलोअरशिप भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनकलाब लाने के लिए, उसको बचाने के लिए, यहाँ तक कि आज तक वो कौम जो है वो रहबरीत का एक साथ दे रही है। तो लेकिन इमाम खुमैनी का चूँकि जून के महीने इमाम खुमैनी की बरसी भी है, तो एक उनको भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम का अहया किया। यानी दीन इस्लाम, यानी जो ख़ुद विलायत फ़कीह की अगर हम बात करें तो उसका जो फोकस है वो इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है। ये ठीक है कि ईरान में इम्प्लीमेंट हुआ पहली मरतबा वो, लेकिन उसकी जो रूह है ना वो इस्लाम से उन्होंने ली है। मसलन नज़रिया विलायत है जो तशय्यो की एक रूह है विलायत, तो फोकस जो है विलायत पर है, खुदा की विलायत, रसूल की विलायत, इमाम की विलायत, फिर ज़माने गैबत में फ़कीह अदल की विलायत। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ इसमें जैसे आपने कहा कि अहिया इस्लाम था, मुझे एक पॉइंट समझ में आता है, वो कई दफ़ा आप भी बयान कर चुके हैं मेरे ख्याल में, तो ये समझ में आता है कि इमाम खुमैनी के काम में जो सबसे बड़ी खासियत समझ में आती है वो इंटीग्रेशन थी जो इरफान, जोहद, तखवा और सियासत में होनी थी, और ये वो मिसिंग पार्ट था। यानी 1200 साल 1300 साल से हम जोहद को एक अलहदा कैटेगरी में देख रहे थे, तखवा को एक अलहदा कैटेगरी में देख रहे थे, इरफान अलहदा और सियासत मसलन वो एक अलहदा मामला है, वो बादशाहों का काम है वो। हालांकि अमीरुल मोमिनीन के बारे में हम कहते हैं कि वो जामेउल अजदाद थे, और उनकी विलायत में अगर कोई सियासत को नफी करे तो हम उसको अहल विलायत नहीं मानते। वो अहल विलायत नहीं है फिर, वरना तो बड़े बड़े मौजूद हैं कि जो इमाम को मसलन मौलाए मुत्तकियान कहने को तैयार हैं, लेकिन अगर कहें कि अमीरुल मोमिनीन अव्वल मसलन खलीफतुहु बिला फसल, तो हम फिर ज़ाहिर है कि डिस्टिंग्विश हो जाते हैं लोग। तो इमाम खुमैनी ने जो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा कारनामा किया, और वो उनकी जिसको एक अगर हम वर्ड कहें ओरिजिनलिटी और जेन्युइननेस उनकी पॉलिटिक्स की और इस्लाम की, वो ये थी कि उन्होंने उसको तज़किया नफ्स और रूहानियत से कनेक्ट किया। तो अब वो जो सियासी अमल था वो उनका सियासी अमल एक्चुअली रूहानी अमल था, और जगह जगह मैं तो जितना भी ज़्यादा उसके ऊपर देखता हूँ, मसलन जब वो खुद के मामले के ऊपर बात करते हैं तो अब वो खुद का मामला बज़ाहिर एक पॉलिटिकल इशू नज़र आता है, लेकिन वो उसको देखते रूहानी रंग में, और वो जिस मामले को उठाकर देखें आप, चाहे वो ईरान इराक के साथ जंग का मामला था, चाहे वो शहदा का मामला था, कोई हर चीज़ में उनका जो पर्सपेक्टिव था वो एक स्पिरिचुअल और इरफानी पहलू। अच्छा, वही चीज़ वो अपने नज़दीकी लोगों में देखना चाह रहे थे, और उनके नज़दीक गए ही वो लोग कि जिनके अंदर वो रूहानियत अहिया हुई, वरना जितने सियासतदान टाइप के लोग थे, प्योर सियासतदान टाइप के लोग थे, वो थोड़ा अरसा तो उनके साथ चल पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर को इनके साथ चल नहीं सके वो। अच्छा, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने अब यहाँ पे इंसान नहीं मालूम किससे क्या है कि माजरत के साथ, किससे क्या है माजरत के साथ, ये भी समझ में नहीं आता बाज़ औक़ात। जो हमारे साथ मुश्किल हो गई, किसी के साथ भी ना कहें माजरत, जो हमारे साथ मुश्किल हो गई वो ये कि हमने इमाम खुमैनी का इस्लामी सियासी रंग तो ले लिया, समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो रूहानियत की बैकग्राउंड में ये सब कुछ हो रहा था, उसकी जो बेस थी रूहानियत के अंदर, मानवियत के अंदर, उसको हम इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सके। हाँ, हम इमाम खुमैनी की तारीफ़ें करते हैं मुत्तकी होने के नाते, लेकिन भाई वो जो सियासत थी उसमें उनका वो जो तखवा और परहेजगारी थी वो कैसे असरअंदाज हो रही थी, जो डिसीजन मेकिंग्स हैं उनकी। एग्जैक्टली ये बात जो मसलन उनका मसलन ये फैसला करना कि मुझे इस वक्त तेहरान में होना चाहिए। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात, इतना रिस्क था और इसके बावजूद उनका ये फैसला करना कि मैं जाऊंगा, ठीक है, और फिर इत्मीनान के साथ जिस तरह उन्होंने खिताब किया वहाँ बहिश्ते ज़ाहरा में जाके। कभी मैं कहता हूँ कि देखें, इमाम खुमैनी अगर बहिश्ते ज़ाहरा में जाके ऐलान कर देते कि शाह तो चला गया, शाह रफ्त, वो तो आ गया था लिखा हुआ, इमाम खुमैनी कहते हैं कि अब मैं शाह हूँ, तो किसी में जुरत थी कि मना करता? जुरत क्या, वो ईरानी तो पहले ही वही बादशाह के सामने ऐसे झुकते थे, जरा दो चार डिग्री और झुक जाते। सही बात है। तो वो लेकिन उन्होंने ये नहीं किया,
बल्कि उन्होंने रेफरेंडम करवाया, फिर आइन साज असम्बली बनाई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया, फिर उसके तहत इलेक्शंस करवाए, पार्लियामेंट बनाई। एक इमाम बुखारी की फिक्र में ये चीज़ है, यानी यानी जिसको कहते हैं मशरूइयत, मशरूइयत इलाही और उसके साथ साथ कबूलियत मरदुमी, पॉपुलर एक्सेप्टेंस बाय द पीपल। एग्जैक्टली ये है। ये जो आज लोग सवाल भी करते हैं ना, इस्लाम को जमहूरियत से क्या ताल्लुक़ है, तो इमाम खुमैनी तो इसके बड़े हार्डकोर सपोर्टर हैं। हाँ, इसमें जैसे आपने दोनों टर्म्स इस्तेमाल की, एक मसला है कि भाई आपके पास लेजिटिमेसी है क्या, मशरूइयत है क्या। हाँ, इस मशरूइयत में अवाम के यस कहने की दखालत नहीं है। मेरा विलायत नज़रिया विलायत से आती है। मसलन इमाम है, उसकी लेजिटिमेसी लोगों की ओपिनियन पे नहीं है। इसी तरीके से वली फ़कीह, अगर वली फ़कीह है और उसकी लेजिटिमेसी इमामत की विलायत से निकल रही है, तो पब्लिक के यस कहने की उसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब एक अगला मरहला है वो ये कि अमीरुल मोमिनीन खलीफत हो बिला फ़सल हैं, लोग खिलाफत मानेंगे या नहीं मानेंगे। हाँ, यहाँ पर पॉपुलैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी का वो जो जुमला है मशहूर हमारे पास है कि अमीर मोमिनीन ने शमशीर के ज़रिए से हुकूमत नहीं बनानी थी जी। हाँ, तो लेजिटिमेसी तो गदीर खुम के दिन आ गई है और उससे पहले भी 10 दफ़ा आ चुकी थी। लेकिन जब ये बात है कि भाई लोग मुझे माने या ना माने, तो एक मौके पर आकर इमाम फरमाते हैं कि दाउनी वल तमिसु गैरी, मुझे छोड़ दो और जाओ किसी को ले लो। और वो फरमाते हैं कि अगर ये ना होता तो मैं तुम्हारी खिलाफत की रकाब ऐसे डाल देता। बल्कि ये फरमाया कि मेरा वज़ीर होना तुम्हारे हक़ में अमीर होने से बेहतर है, क्योंकि और शायद मैं ज़्यादा अताअत करूँ उसकी। एक जुमला ये भी है, नहीं मान पाओगे। यानी हकीकत ये है कि पब्लिक को अच्छा। अब यहाँ पर एक मसला था वो ये कि भाई किसी ने एक दफ़ा हमारे सामने भी ये सवाल रखा कि भाई पब्लिक की जो पॉपुलैरिटी है वो इमामत को या मसलन किसी भी रूलर को ऊपर लाने में मौसर है या नहीं है। तो लेजिटिमेसी तो आसमानी है, पॉपुलैरिटी से वो हुकूमत पे आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बारीक और क्वेश्चन है, क्या वो हुकूमत पे आने के बाद पॉपुलर डिसीशंस, पॉपुलर ओपिनियन को ओबे करेगा? हाँ, मैं अर्ज़ करूँगा, जो मुझे समझ में आता है वो ये कि नहीं, वो नहीं करेगा। क्यों? वो हमसे ये कहेगा कि देखो, अगर तुमने मुझे बिठा दिया है, तुमने मुझे बिठाया है इस विलायत के तहत जो मैं मेरे जहन में है, मैं उसके तहत फैसले करूँगा। तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है, ख़त्म करो मामले को, लेकिन फैसले मैं तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं करूँगा। ये वो जगह है जहाँ अमीरुल मोमिनीन का ख़िताब हमारे पास मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तुम ये मत समझोगे कि मैं आऊँगा और मैं तुम्हारी राय को देख रहा हूँगा अपने फ़ैसलों के लिए, फ़ैसले मैं अपनी ओपिनियन से करूँगा। तो मेरा अपने ख्याल है इमाम खुमैनी ने भी यही किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे लेकर आयो, रेफरेंडम किया तुम लोगों ने, तुम्हारी पॉपुलरिटी की ज़रूरत थी हुकूमत बनने के लिए, मैं हुकूमत पर हूँ, फैसले मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। हाँ, जिस दिन तुमको ये कहना है कि भाई हमें नहीं चाहिए, तो एक रेफरेंडम कर लो, एक रेफरेंडम। रेफरेंडम के 25 तरीके हो सकते हैं कि भाई आप रेफरेंडम कर लें और कहें कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अब जबकि इमाम खुमैनी हुकूमत पर आ गए हैं तो वो पॉपुलर ओपिनियन की बेस पर फैसले करेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसमें दो हिस्से कर दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एक है डिवाइन लेजिटिमेसी, सही है, ठीक है, और एक है मसलन पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के। एक तो एक शख्स जो है वो जिसको आप डिफैक्टो या डी जीरो कहते हैं, सही है, ठीक है ना, एक शख्स है जिसको विलायत हासिल है और बेशक वो साहिब विलायत है, लेकिन अगर आवाम ने उसको कबूल नहीं किया, हाँ, फिर हुकूमत नहीं कर सकता वो। हाँ, वो अगर आवाम पर मुसल्लत हो तो वो जबर का निज़ाम बन जाएगा कहलाएगा, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर उन्होंने इमाम खुमैनी को वोट दे दिया, रेफरेंडम हो गया, अब इमाम खुमैनी हुकूमत पर आ गए, सही है। अच्छा, अब एक मौके पर उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे तो ये जंग करनी है, ये जो सद्दाम ने हमला किया है मुझे इसका दिफा करना है और मैं ये जंग जारी रखूँगा, सही है, और उन्होंने हत्ता यहाँ तक कहा कि मैं आखिरी आदमी के होने तक भी ये जंग जारी रखूँगा, अगर इस्लाम की मसलहत में हुआ तो मैं ये काम करूँगा। यानी जब मुझे वो तकरीर उनकी याद है कि लोगों ने कहा जंग जंग था फिरूज़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जंग जंग था फिरूज़ी नहीं है, जब तक इस्लाम को ज़रूरत है उस वक्त तक जंग है।
या उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें नारे ही लगाना है तो रफ़ ए फितने दर आलम हत्ता ला तकूना फितना, उन्होंने कहा जंग उस वक्त तक है। बस जंग न बुनियाद इस पर है कि तुमने कामयाब होना है, न बुनियाद इस पर है कि ईरान ने कामयाब होना है, जंग उस वक्त तक है जब तक इस्लाम की मसलहत है। जिस दिन मसलहत इस्लाम नहीं है उस दिन जंग नहीं होगी। सही। तो अच्छा, अब ये जो बातें थीं ये हर एक के मिजाज पर ज़ाहिर अच्छी नहीं आ रही होंगी। या मसलन जब उन्होंने और बहुत सारे सख्त फैसले किए तो वो शायद पब्लिक के मिजाज पे अच्छा ना आ रहा हो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जो पब्लिक रेफरेंडम करके हुकूमत बना रही थी, अगर वो पब्लिक रेफरेंडम करके कहे हमें नहीं चाहिए, मामला ख़त्म हो, फिर जबर नहीं होगा, फिर जबर नहीं होगा। लेकिन आज वो ये कहें कि हम रेफरेंडम करके आपको ले आए हैं, आप वली फ़कीह हैं, आप इस्लाम के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप फैसले करते वक्त हमारे जहन के मुताबिक फ़ैसले करें, ये पॉसिबल नहीं है। वो इस्लाम के रूह के ख़िलाफ़ हो जाए, वो इस्लाम की रूह के, फिर वो फ़ौरन कहेगा कि या तो मैं हूँ तो मैं इस्लाम के हिसाब से फ़ैसले करूँगा, और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, बिस्मिल्लाह कोई और ढूँढ लो। अच्छा, इसमें एक पहलू ये भी है कि हज़रत इमाम खुमैनी ने मसलन 10 साल तक क़यादत की इस उम्मत की, फिर वो चले गए, फिर रहबर मौज़म आ गए, तो यकीन इमाम खुमैनी ने एक डायरेक्शन दिया उस इनकलाब को, ठीक है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक के पॉलिसी से नहीं, स्ट्रेटेजी से होता है। और स्ट्रेटेजी का ताल्लुक बहुत सारे और फैक्टर्स से होता है, आपके मुखालिफिन की स्ट्रेटेजी से होता है, सिचुएशन से होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इमाम खुमैनी ने आले सऊद के बारे में जो कुछ कहा, बिल्कुल ठीक है, आज अगर ईरान से मसलन सऊदी अरब से ताल्लुकात दोबारा उस्तवार हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अब कुछ लोग तो उसमें बहुत ही पुरुद हो गए हैं कि अब जन्नतुल बकी की तामीर होने वाली है, बस चंदा शुरू होने वाला है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सब फ्रॉड है और आले सऊद पे इतबार नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली नहीं, आप किसी के दिल में झांक के तो देख नहीं सकते, ठीक है। हर मुल्क जो फैसला करता है वो अपने मफादात को सामने रख के करता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, मिसाल के तौर पर यमन की जंग रुक गई है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज भी होना शुरू हो गया है, असद जो है बशारुल असद वो अरब लीग में पहुंच गए, और यानी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। तो ज़रूरी है कि एक स्केप्टिकल और एक हम जो है वो कॉन्स्पायरेसी थ्योरी के ऊपर गौर करें, और यह कि इमाम खुमैनी के और रहबर मौज़म के डिसीजन पे भी ज़रा था। इसमें यह था बिल्कुल जैसे आपने कहा, मसलन एक अगर इसको हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर देखें, तो मिसाल के तौर पर अमीरुल मोमिनीन ने किसी के साथ जंग की और अगले इमाम उनकी फर्जंद तैयब ताहिर उन्होंने उसके साथ सुलह की, सही। अच्छा, उसके बाद कुछ 10 साल के बाद फिर दोबारा एक जंग पेश आ गई, 20 साल के बाद फिर एक जंग पेश आ गई, वो करबला का मैदान था। तो अब मिसाल के तौर पर नाऊज़ बिल्लाह ताला मुझे कज़म अलैहि सलाम को जिसने कैद में रखा 14 साल, उसकी जानशीनी उसके बेटे से इमाम के फर्जन ने कबूल कर ली। तो अब ये था कि कोई कहे भाई ये क्या है, भाई इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन खुद सैयदुश्शहदा अमीर शाम के ऊपर 10 साल तक खामोश रहे हैं, अमीर सैयदुश्शहदा खामोश रहे, ठीक है। तो ये सैयदुश्शहदा की खामोशी और सैयदुश्शहदा का ही 61 हिजरा में उस तरह से कुर्बानी देना, सही। तो उसमें ये था कि ये बहुत सारे मराहल होते हैं, जो जैसे आपने कहा कि भाई स्ट्रेटजी एक चीज़ होती है, टैक्टिक्स एक और मसला होता है, और उस अलबत्ता वो टैक्टिक्स ज़ाहिर होती है एज़ पर प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल्स में वेरिएशंस आती हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। आज ये उसूल इस वक्त मुंतबिक होगा तो ये करना होगा, यही पर्सनैलिटी उस उसूल को नहीं इम्प्लीमेंट करेगी अगर ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो गई, क्योंकि अब एक और उसूल होगा जो इम्प्लीमेंट होगा। तो इसी तरीके से मसलन कोई कहे कि क्यों मौला इमाम मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह ने क्यों सुलह की, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो रही हैं। अच्छा, अब हम आकर देखें आले सऊद के ऊपर, मैं अपने दिल में आले सऊद के लिए कोई 1% भी सिंपैथी नहीं रखता, यानी अगर मुझसे कोई बन नहीं पा रहा है नहीं, मैं बना भी नहीं पाऊंगा लेकिन मुझसे कोई ये कहे कि भाई क्या फ़र्क पड़ा एक एक एक। अच्छा, उनकी स्ट्रेटजी, सॉरी टू इंटरप्ट, उनकी जो स्ट्रेटजी चेंज हुई है ना आले सऊद की, हाँ, तो वो भी इस्लाम के लिए मुसीबत है। वहाँ पर वो डांस करवा रहे हैं, गाने करवा रहे हैं और फुला करवा रहे हैं, वो एक अलग मुसीबत है। उसके ऊपर अभी गौर करते हैं, मतलब जो मुझे समझ में आता है, मसलन आले सऊद के दो किरदार हैं,
एक आले सऊद वो है जो वहाबियत के साथ अलायंस में है और ये बहुत पुराना आला है, आले शेख के साथ, आले शेख के साथ एक्चुअली वहाबियत आले शेख के मैनिफेस्टेशन में आगे मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की जो नस्ल थी आले शेख के अलाई, और फिर उसके बाद फिर उसका स्कूल ऑफ थॉट कि जो ज़रूरी नहीं कि उसकी नस्ल का ही हो लेकिन बाद उसके उलमा आते रहे ये वो नाम नेहाद। तो एक वो आले सऊद है जिसका एक अलायंस है आले शेख के साथ और वहाबियत के साथ, सही है, और एक वो आले सऊद है कि जो बाकी दुनिया के सारे बादशाहों और हुक्मरानों की तरह एक बादशाह है, एक हाकिम है। मसलन अगर मुझसे कोई पूछे बिशारुल असद के क्या क्या मसलन उसके ईमान की गवाही दूं मैं, क्या कैसे करूं, क्या क्यों क्यों दूं उसके ईमान की गवाही, मैं नहीं दे सकता, हकीकत ये है। अच्छा मिसाल के तौर पर अभी सुल्तान ओमान के गए वहाँ पर ईरान, तो मसलन वो मोमिन है इस वजह से गया, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। अरे भाई उन लोगों का एक मुल्क है, ये लोग बादशाह लोग हैं, इनके हुक्मरान हैं, इनके अपने बहुत अच्छे हुए तो अपने मुल्की मफादात हैं, वरना ज़्यादातर इसराइल के ताल्लुकात भी हो, वरना उनके उनसे उसके तो मुल्की मफादात भी नहीं है ज़्यादातर के, ज़्यादातर के शख्सी मफादात हैं, कि मसलन बादशाहत हैं उनके, वो उनके अपने शख्सी ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। अब आले सऊद का मामला क्या है, आले सऊद का मामला ये एक ख़ानदान है जिसको ताकत चाहिए, जिसको हुकूमत चाहिए, जिसको दौलत चाहिए, जिसको दुनिया चाहिए। अच्छा उस दुनिया हुकूमत दौलत ताकत अय्याशियों लज्जतों को हासिल करने के लिए उसने 150 साल से एक ख़ानदान के साथ अलायंस किया हुआ था, उसका नाम था आले शेख। एक जगह पे जाकर उसको ये एहसास होता है कि भाई ये अलायंस हमारे हक़ में कारामद नहीं है, मामला ख़त्म इन सम एक्सटेंड, एट सम एक्सटेंड मसलन, तो वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है अब हमारा आपके साथ मामला नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उन्हीं वहाबी और आले शेख को उठा के सजाएं भी दी हैं, जी जी, उनको जेलों में भी डाला है, सारे काम किए, क्यों, उन्होंने कहा भाई अब हमारा अलायंस आपके साथ हमारे फ़ायदे में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो जो जनाब पहले उनके साथ खड़े थे और वो हर उनका हुक्म मान रहे थे, फतवे दे रहे थे, सारे काम कर रहे थे, वो मामला ख़त्म हो गया। अच्छा अब जब ख़त्म हो गया तो आप हैं कौन, हम दुनिया परस्त हैं, वो खड़े हो गए। अच्छा मिसाल के तौर पर वो जो मसलन दुबई के रूलर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मस्जिदें भी बनाते हैं, वो क्लब्स भी खोलते हैं, वो दुनिया की हर अय्याशी के लिए अपने यहाँ जगहें भी बनाते हैं। तो आले सऊद ने ये कहा कि भाई हम भी यही कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारी दुनिया अब यहाँ से पूरी हो रही है। तो उन्होंने जो टर्न मारा वो ये नहीं था कि वो फिस्क से ईमान पर आ गए, नहीं, उनकी इकोनॉमी जो बैठ रही थी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी, बेसिकली वो दे वांटेड टू स्विच फ्रॉम ऑयल टू समथिंग एल्स, उन्होंने बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की अपने एसेट्स को एक और वेन्यू के अंदर डाला कि जिसके अंदर उनकी ज़्यादा इनकम हो सके। तो वो उन्होंने मसलन वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बेस इकॉनमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और टूरिज्म बेस इकॉनमी बनाएंगे और रिलीजियस टूरिज्म। बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ मच रिलायबल इज दिस फैक्ट, क्योंकि देखिए इससे पहले रफसंजानी भी गए थे सऊदी अरब और ये वो, तो अब ये मतलब ये कि कब तक ये कितना एतबार किया जा सकता है भाई। वो बिल्कुल ऐसे ही है, मैं एक बात अपने अंदर एक बात सोचता हूँ कि अगर बिशारुल असद को ईरान की हिमायत में कामयाबी का यकीन ना होता तो वो किसी और के साथ बैठ जाता। अगर उसको ये लगता कि मेरे पास कोई और सपोर्ट भी है जो मुझे संभाल सकती है, मेरी हुकूमत को चला सकती है, तो वो किसके साथ बैठता। फिर वो कहता मेरा तो इनके साथ ईमानी ताल्लुक है, मैं इनके साथ बैठ रहा हूँ, नहीं हरगिज़ नहीं। अच्छा आज मसलन ओमान से ताल्लुक आते हैं इनके, तो वो ईमान बेस हैं, नहीं, दुनिया की एक मसलहत उसकी भी है और इनकी भी एक मसलहत है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि ये चूँकि जमहूरी इस्लामी है, यहाँ पर वली फ़कीह हैं, इनकी मसलहतों की बुनियाद इस्लाम है, तो उसकी बुनियाद पर वो किसी के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि भाई जिस तरह सुल्तान ओमान के हैं वो जितना भी काबिल एतबार हैं, कतर के रूलर हैं वो जितने भी काबिल एतबार हैं, जितने भी रूलर बाकी हैं आले सऊद उनमें से एक है। अगर वो उन्हीं उसूलों के तहत बाकी रहता है जिस तरह से बाकी सारी हुकूमतें चलती हैं, मसलन यूरोपियन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं भाई किन बुनियादों पर हैं, दुनियावी उनके मफादात हैं, और उनको भी हर वक्त अमरीका के सामने सरेंडर नहीं होना है, उनको भी किसी तरीके से खेलना है। तो मेरा अपने ख्याल है आले सऊद वन ऑफ देम उनकी तरह है, और वो हाँ इसमें ये है कि यहाँ पर रिलायबिलिटी का इशू एक और बहुत संगीन इशू है, वो जैसे आपने इशारा किया मैं समझ रहा हूँ उस इशारे को, बहुत बड़ा संगीन इशू है कि यहाँ तो एक ख़ानदान भी नहीं है, यहाँ एक वन मैन शो है, बाकी जगहों पे तो नाम लेने को कम से कम एक ख़ानदान है, यहाँ तो वन मैन शो है, यहाँ MBS है बकस। तो वो MBS कब तक चलेगा, कब तक उस पर एतमाद किया जा सकता है,
कब उसके दिमाग में कोई नई चीज आ जाए, बहुत एम्बिशियस है वो तो। हाँ सही बात ये है। तो उसने अपनी मसलहत इस बात में देखी कि भाई मुझे अगर इकॉनमी को चलाना है, मुझे अपने मुल्क को चलाना है, मुझे इस जंग को ख़त्म करना है, मुझे वो टेंशन जो मैंने सीरिया के साथ पाल लिया बिला वजह में, ये मैंने गलतियाँ कर डाली हैं, ये मुझे सही करनी है। तो यही एमबीएस साहब जिन्होंने यमन के ऊपर जंग शुरू की थी और बिशार अल-असद के साथ झगड़ा किया और कतर के साथ झगड़ा किया, उन तमाम झगड़ों को मुका कर वो अपनी इकॉनमी को बढ़ाना चाहिए। इंडियन जनरल की तरह समझ रहे थे कि इंडियन जनरल ने कहा ना था लाहौर में नाश्ता करो मसलन, हाँ वो नाश्ता अब तक ठंडा हो रहा है, हाँ वो नहीं हो पाएगा, लाहौर नहीं पहुँच पाए, वो पाकिस्तान पर क्या उसका क्या इफेक्ट होगा भाई। मैं तो इस लिहाज से सोचता हूँ कि वो ये जो अभी जो कॉरिडोर खुला है बिजनेस कॉरिडोर वगैरह, इज इट ए पार्ट ऑफ That understanding, इन्हें हिम्मत पकड़ेगी पाकिस्तानी हुकूमत के? मैं कम अज़ कम एक बात सोचता हूँ, इसको अगर हम इस तरह से देखें कि भाई कुछ अरसे से आले सऊद की टेंडेंसी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पर इन्वेस्टमेंट में ख़त्म हो गई थी, यानी उनकी ऑफिशियल टेंडेंसी उस पर नहीं थी कि भाई हम रिलीजियस टेररिज्म के अंदर या दहशतगर्दी के अंदर ऑफिशियली इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वो अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। हाँ उन्होंने सीरिया के अंदर प्रोडक्टिव समझ रहे हैं, हाँ चूंकि अब वो उनके काम में नहीं रही। पाकिस्तान को जो कम अज़ कम बेनिफिट मिल सकता है वो ये मिल सकता है कि भाई वो जो पीछे से उनकी सपोर्ट हो रही थी एक ऑफिशियल एक टेररिज्म की, वो सपोर्ट अब बाहर से नहीं आएगी, बाहर से नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे सर ज़रा सा एक और मसला है, वो ये कि क्या जो पाकिस्तानी हुकूमत टेररिज्म या टेररिस्ट को सपोर्ट करती थी उसकी वजह सिर्फ बाहर ही थी या हमारी अंदर भी कोई मसलहत थी? तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे अंदर भी कुछ मसलहतें ऐसी थीं जो हमें ये कह रही थीं कि हमने इनको संभाल के रखना है। अच्छा उस पर हम अब तक मिसाल के तौर पर ये कहते रहे भाई ये सऊदियों की वजह से ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता ये नहीं है कि ये सबका सब सऊदियों की वजह से हो रहा था। तो एक फ़ायदा जो होगा वो हमें वो ये फ़ायदा होगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये जो जगह जगह ईरान सऊदीया का टकराव पाकिस्तान के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता था बेतुकी बातों के ऊपर जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होता था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि हम ठीक है ज़रा सा आप लोगों का तो मसला थोड़ा सा हल हो गया। मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि ये जैसे पाकिस्तान बाज़ फैसले करने में हिचकिचाता था, जैसे मिसाल के तौर पर गैस पाइपलाइन है ईरान ने वहाँ तक पहुँचा दिया जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक वो कर लिया था माहिदा, वो तो पीपल्स पार्टी का ज़माना था, जरदारी साहब ने जाते जाते वो आखिरी दिनों में वो एग्रीमेंट कर लिया और बड़ा ख़तरनाक एग्रीमेंट है वो, तो पता नहीं 17 बिलियन डॉलर कितना उसका 18 बिलियन डॉलर का उसके ऊपर वो डेंट लगने वाला है पाकिस्तान को। तो ये जो हिम्मत नहीं कर पा रही थी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स, तो अब ये कोई कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि पीछे से कम कोई प्रेशर नहीं आएगा? भाई ऐसी मैं एक बात कह रहा हूँ, पीछे से जो असली प्रेशर आना था वो सऊदीया से तो नहीं आना था, वो तो आना था अमेरिका से। तो वो तो अभी आएगा, वो तो अभी भी आएगा। हाँ ये है कि ये पहले ये सोचते थे कि भाई अगर अमेरिका से प्रेशर आया तो हमारे पास उस प्रेशर को बफर करने के लिए कोई भी नहीं है, सही है। अब इनके थोड़ा बहुत चाइना से ताल्लुकात हो गए, अब सऊदियों से भी, खुद सऊदी अमेरिकन से थोड़ा सा कट रहे हैं, काफ़ी हद तक कट गए हैं बल्कि, तो और ईरान से ताल्लुकात भी बुरे नहीं चल रहे। लेकिन कुछ लोग इस बारे में थोड़ा सा वो हैं कि भाई अमेरिका ने सऊदी अरब को कोई ज़्यादा कोई डांट वाट नहीं पिलाई खुल ज़्यादा इस हवाले से? हाँ उसकी वजह मुझे ये समझ में आती है वो ये कि अमेरिका के पास अब वो दमखम ही नहीं रहा कि वो उसके अंदर मिसाल के चाइना का ब्लॉक बन रहा है, रशिया चाइना ईरान तुर्की सऊदी अरब भी इधर आना चाह रहा है, तो इसमें अमेरिका रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये वो क्यों रिएक्ट, मसलन रिएक्ट करने के लिए बहरहाल कुछ आपको दांत दिखाने होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट का भी कुछ पॉलिसी का फ़र्क होता है, वो फ़र्क होगा, लेकिन मेरा अपना एक ख्याल जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ वो ये कि भाई अमेरिका को बिलाखिर ये साबित करने के लिए कि कोई हमारी सुने, या दबाना पड़ेगा या खिलाना पड़ेगा, या पैसा दो सामने वाले को कि वो तुम्हारी सुने, या तुम उसको दबाओ, तो दोनों में बहरहाल कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। अब अमेरिका की इकॉनमी, अमेरिका की बिजनेसेस, वो एक ऐसी जगह पे आकर खड़े हो गए हैं कि ना उनके पास इतना दमखम है कि भाई वो जाकर किसी को दबाने की कोशिश करें। पूरी दुनिया को मालूम है इनएफिशिएंट आर्मी है, पूरी दुनिया के सामने वाजे है। लेकिन इकोनॉमी तो उनकी वॉर बेस्ड है ना, जंग होगी तो उनको फ़ायदा होगा। हाँ वो तो सही है, लेकिन मिसाल के तौर पर जंग वो जिसमें जीतने का चांस हो, जीते ही हारे इकोनॉमी को तो फायदा होगा। वो यानी मतलब स्टडी है हमारे, वो बिल्कुल सही है, वो एक स्टडी है हमारे आईआर डिपार्टमेंट की कि दुनिया में किसी भी दो मुल्क में जंग हो
तो अमेरिका की इकोनॉमी को 5% का बूस्ट मिलता है। वो बिल्कुल सही बात है, और ये हमेशा का एक पुराना फार्मूला था कि भाई जब भी आपकी आप रिसेशन के अंदर जा रहे हो एक जंग छेड़ दें, हर 10 साल बाद एक जंग चाहिए, उसको चाहिए। अच्छा, वो बड़ा अच्छा पैटर्न बना हुआ है कि भाई जब 1990 में रिसेशन आया तो एक जंग हो गई, कुवैत वाली हो गई, फिर जब 2000 के करीब रिसेशन आया तो फिर तालिबान वाला मसला हो गया, 9/11 हो गया, फिर जब दोबारा से मिसाल के तौर पर कुछ हुआ तो एक और मामला। ये तो एक कहानी उनकी चल रही है, उनकी नीड है, लेकिन मसला सारा ये है कि एक एक्सटेंड तक ये सब चीज़ें चलती हैं। एक जगह पे जाकर एक कौम को ये फैसला करना होता है कि बहरहाल अब एंड हुआ है या अभी भी यही पॉलिसी चल जाएगी। तो वो हमें भी ये एहसास होता है कि सबको एक एहसास होता है कि भाई एक पॉलिसी एक हद तक चल सकती है। मसलन ये जो इकॉनमी है, मसलन वॉर इकॉनमी, ये उस जगह तो ज़रूर चल सकती है जहां आपकी आर्मी जहां बैठ जाए वो पार्टी जीतेगी। तो आपको हर आदमी बिठाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपको बिठाया और आप ही के बेस के ऊपर मिज़ाइल आकर गिर गए और आप चूँ भी नहीं कर सके, अब आपके बैठने का क्या फ़ायदा हुआ? या मसलन यूएई इनको पैसा देता रहा कि भाई तुम यमन की मिसाइलों से मुझे बचाना, वो मिसाइल फिर भी आ गए। सऊदीया इनको पैसे देते रहे कि भाई आप हमें बचाएंगे, वो फिर भी आ गए। सही, तो अब भाई वॉर इकोनॉमी तो उस वक्त बिकेगी जब आप कम से कम इतने दांत तो दिखाएं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई दमी नहीं है, इतने मिसाइल आपके सर पर बरस गए, आपने चूं भी नहीं किया, तो अब आपके ऊपर कौन पैसा लगाएगा? यही मिसाल मैंने दी कि अगर आपने इतने महंगे पैसा खर्च करके अगर आपने अपने कार के अंदर एक ट्रैकर लगाया, हाँ, और कार फिर भी चोरी हो गई, तो अब इनको क्यों ट्रैकर लगाएगा भाई फिर? तो अब वो सऊदीया जो है वो इस बात को सोचने में मजबूर हो गया कि भाई इनको मैंने इतना पैसा भी दिया, यमन की जंग फिर भी ख़त्म नहीं करा सके, या अंग्रेज़ों को दिया या फ्रेंच को दिया, उसका क्या होगा? आप 40 मुल्कों की फौज और उसके, वो तो जाहिर है वो तो ड्रामे। एक मतलब मैं एक बात सोचता हूँ मुझे कि जो चीज़ जेन्युइन नहीं होती कब तक चलेगी? एक चीज़ है जिसकी ना कोई कल्चरल बेस है ना कोई लॉजिकल रैशनल बेस है, वो उन्होंने एक चीज़ ड्रामे के तौर पे बनाई और बनाने के बाद फिर मरमर आ गया मामला, सब ख़त्म हो गया, कौन पूछ रहा है? कुछ लोग बेरोज़गार भी हो जाएंगे, जाहिर है वो बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, उनमें अपने भी होंगे कुछ, तो वो उसमें ये सब मसाइल तो चलते रहते हैं। ये तो मेरे ख्याल में मीडिया की एक मूवमेंट होती है कि एक ख़ास मौके के ऊपर आपको कोई ज़रूरत थी। तो अब चूंकि हम मौजू वो था तो मैं ज़रा सा वापस लाता हूँ। अब इसमें एक बात थी कि भाई एक तो ये पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट्स की कि आती हैं जाती हैं, एक वो जेन्युइन मूवमेंट होती है, आइडियोलॉजी होती है, ये वो चीज़ है जो हमें इनकलाब में नज़र आती है, एक जेन्युइननेस कि 40 साल से आप एक नारा लगाए हुए हैं और उस नारे को परसू कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उस पर सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उस पर बंदे कुर्बान हुए हैं, पब्लिक उसके ऊपर इन्वॉल्व हुई है, लेकिन आपने डिटर्मिनेशन दिखाई है। इसी तरह मसलन आपने कहा कि भाई हम सीरिया को इनके हवाले नहीं करने देंगे, एंड दे डिड दैट और करके दिखा दिया। बशार अल-असद को पता था कि दुनिया में अब इसका कोई हामी और नासिर ज़मीन के ऊपर नहीं बचा है। बशार अल-असद की हुकूमत आज गई कल गई, उसको मिसाइल आके गिर रहे थे। हाँ सही, तो मेरा अपने ख्याल है जो चीज़ जमहूरी इस्लामी को और इनकलाब को दूसरे तमाम हुकूमतों से एक एज देती है, सुपीरियर एज, और वो ये है कि यहाँ पर एक लॉजिकल रैशनल और पुर एतमाद क़यादत मौजूद है, एक फ़लसफ़ा मौजूद है पूरा ज़िंदगी। आखिरी बात यह है कि क्या इसराइल को भी कोई कमज़ोरी फील होगी इसमें? मेरा जिस तरह मैं अमेरिका के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि मैं अमेरिका के बारे में बिल्कुल इस बात का मोतखिद हूँ कि अब इनके पास दिखाने को दांत भी नहीं बचे, तो मैं इसराइल के बारे में कन्फर्म इस बात का मोतखिद हूँ कि उसके अंदर का डीके, उसका अंदर का खोखलापन अब ये छुपाने के काबिल नहीं रहा है, अब ये छुपाने के काबिल नहीं रहा है, और उसका अंदर का खोखलापन अब इतना ज़्यादा सामने आएगा। मेरा अपने ये ख्याल है जो मुझे समझ में आता है, इसराइल को बम नाबूद नहीं करेंगे, इसराइल ख़ुद अपने आप को नाबूद करेगा, इसको शायद बाहर की जंग की ज़रूरत ना पड़े, ये ख़ुद ही अपने अंदर, चूंकि एक मसनूई हुकूमत थी, एक दुनिया परस्ती की आइडियोलॉजी के ऊपर तश्कील पाई हुई हुकूमत थी, ये इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और मेरा अपने ये ख्याल है कि उसके अंदर का खोखलापन अब इतना ऐसा आ गया है कि ये नहीं बच पाएगा। और वो जितनी दास्तानें थीं कि पता नहीं दुनिया के इतने रिसर्च नेटवर्क वहाँ पर होते हैं, वो सब का खोखलापन सामने आ गया कि भाई क्यों मल्टी नेशनल्स वही चीज़ें सामने आ रही हैं, फिर भी कुछ लोग इतने मतलब क्यों मरे जा रहे हैं उसे ताल्लुकात कायम करने हमारे यहाँ? हाँ, उसमें बहुत सादा सा एक मसला जो मुझे समझ में आता है, एक तो ये कि हम लोग बड़े जो है वो लकीर के फ़कीर लोग हैं,
तो अब उन्होंने अपने अपने बड़ों को देखा कि वो भागे जा रहे हैं इसराइल के पीछे, तो इन्होंने भी सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसमें ज़ाती फ़ायदे उठा रहे हैं। जाहिर है उनको उठाने हैं कुछ ना कुछ फ़ायदे, एक तो ये बात। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये कि लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग। एक जुमला मशहूर है सबके दरमियान, वो बड़ा सादा सा जुमला है, आप ये ताल्लुकात बनाएं और अमेरिका आपके सारे कर्ज़े उतार देगा। सही, अच्छा आपके कर्ज़े जो हैं वो इस वक्त मेरा अपने ख्याल है कि कुछ 70-80 बिलियन से ऊपर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर हकीकत यह कि अब याद भी नहीं है, क्योंकि अब वो रेलिवेंस लगने रेलिवेंट लगने लगती है कि वो कितनी फिगर हो गई। अच्छा क्या आप ये तवक्को कर रहे हैं कि कोई मुल्क आपको 70-80 अरब डॉलर देने वाला है, ये आप तवक्को कर रहे हैं क्या? खुद अमेरिका कर्ज़े में वो क्या देगा? तो मसला अब ये जो खूबसूरत ख्वाब लोगों के जहन में होते हैं जो इसके सपोर्टर हैं कि भाई हम इसराइल से ताल्लुकात बनाएंगे ना तो हमारे सारे कर्ज़े माफ़ हो जाएंगे और पाकिस्तान में वो दूध की नहरें ऐसी बहेंगी कि जो कोई पीने वाला भी नहीं होगा उनको, तो ये सब ख्वाब व ख्याल हैं। वो जो दुबई था वो इतने इतने ताल्लुकात बनाए, ये कर लिया वो कर लिया, वो अपने आप को नहीं बचा पाया और एंड में जाकर उसने वही ईरान से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की कि हाँ भाई चलो मामले को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सऊदीया जो था वो था। तो मुझे ये लगता है कि लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे अंदर वो आखिर तक गई भी है। भाई देखें एक सादा सा मसला है, हम जब तक कोई मुसीबत हमारी सांस तक नहीं पहुँचती हम उस पर तवज्जो नहीं देते, चाहे वो हमारे यहाँ एनर्जी का क्राइसिस हो, चाहे वो आने वाला पानी का क्राइसिस है, चाहे वो हमारी अमन अमान की सूरत हाल है। तो ये जो स्ट्रेटजिक अपडेट होना है वो ना होना वो इसकी मुश्किल है और उसकी वजह से लोग अपने ख्वाबों के अंदर बैठ के सोचते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इख्तिताम करते हैं विद दिस नोट के थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन। मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा अपने ख्याल है इनकलाब इस्लामी, क्योंकि दो इस वक्त अगर इस प्रोग्राम के मेन टॉपिक रखें, एक तो ये कि मौला आठवें इमाम के जिनके दस्तरखान करामत के ऊपर हम सब लोग बैठे हुए हैं और हम उनके शुक्रगुजार और उनके सामने अर्ज़ इरादत करने के लिए, और दूसरी बात जो इनकलाब इस्लामी और इमाम खुमैनी की बरसी के उनवान से था, जो स्ट्रेटजिक प्लान इमाम खुमैनी ने अहले बैत अथार की तबईयत और पैरवी में पूरी गैबत कुबरा के अंदर बैठ कर हम इसको मुशाहदा कर सकते हैं, जो बना वो मेरा अपने ख्याल ऑन द राइट ट्रैक है और रहबर मुअज़्ज़म ने उस प्लान को एग्जीक्यूट बहुत टफ टाइम के अंदर एग्जीक्यूट किया है और मेरा द सेम डायरेक्शन द सेम के साथ स्पिरिट हाँ, और सेम वैल्यू जो जिस जगह पर इस वक्त जमहूरी इस्लाम है, जमहूरी इस्लामी की हुकूमत है, मेरा अपने ख्याल है अगर किसी को ये बात समझानी पड़े तो शायद मैं कोशिश करूँ, वो ये कि इमाम खुमैनी के ज़माने में हुकूमत जमहूरी इस्लामी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी इस वक्त है। दुनिया में जितना एक्सेप्टेंस इस वक्त जमहूरी इस्लामी की है इमाम खुमैनी के ज़माने में नहीं थी, वो उनके लिए बहुत टफ टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रहबर मुअज़्ज़म की बबसीरत रहबरीत ने इस मकाम पर ला के खड़ा कर दिया है कि हम अब इस जगह पर आ गए हैं कि आले सऊद भी ताल्लुकात बनाना चाहता है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि इनकी बात में वज़न है और इनको इनका 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 कुछ कहना बहुत बड़ी बात है। इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहा की जो ज़हमतें हैं दीन इस्लाम के खातिर उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सबको उनकी तालीमात से इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।